पब्लिक आज ना मेरा मतलब इतना तुम्हारा टाइम वेस्ट करने का मन नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ तुम लोग को। आज ना मैं तुम लोगों को स्टोरी सुनाने वाला हूँ, ठीक है? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बड़ा मजा आएगा तुम लोग को, मगर सुननी पड़ेगी पूरी। और ना बड़ी मजाक वाली स्टोरी, और मेरे से रिलेटेड स्टोरी है, मेरी खुद की पर्सनल लाइफ की स्टोरी है। तो ये ना थोड़ी सी एक्चुअली पॉटी से रिलेटेड है, बड़ी मतलब इंसल्ट वाली है मेरे लिए, बट मैं फिर भी तुम लोग से स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, सुनना पूरी एंड तक, बड़ा मजा आएगा। तो ये बात है यार कब की, जब मैं ना एक छोटा बच्चा था, आई थिंक मैं उस टाइम पे थर्ड या फोर्थ क्लास में होऊंगा मोस्ट प्रोबली, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट थर्ड या फोर्थ में ही होऊंगा मैं, ठीक है? तो हम लोग ना स्कूल में जाते थे, मैं आर्मी में था, मेरे पापा आर्मी में थे, तो हम लोग जाते थे आर्मी वाली ना वो गाड़ियां आती हैं, अगर तुम में से कोई आर्मी में है या फिर किसी का है तो तुमको पता होगा, आर्मी की ना अलग से गाड़ियां आती है तुम लोग स्कूल लेके जाने के लिए। तो वो गाड़ी में मैं जाता था, साथ में मेरी सिस्टर जाती थी, हम दोनों एक ही गाड़ी में जाते थे, ठीक है? तो हुआ क्या उस दिन ना भाई, मुझे बेसिकली अपने बता रहा हूँ, मुझे बड़ी गंदी आदत है, मैं ना बाहर वॉशरूम वगैरह यूज करना पसंद नहीं करता, घर पे ओलिया ओलिया बाहर बहुत अच्छा नहीं लगता मेरे को। अब तो चलो ठीक हो गया, स्टार्टिंग में बड़ी प्रॉब्लम थी। तो मुझे ना स्कूल में बड़ी जोर से प्रेशर लगा हुआ था भाई, कसम से बता रहा हूँ, इतनी जोर से टट्टी लग रही थी ना मेरे को, मेरे बाल खड़े हो गए थे सारे, मजाक की बात नहीं है। मैंने ना जैसे तैसे कंट्रोल किया, मैं यार टाइम बचा थोड़ा, रमन देख छुट्टी होने वाली है, यहाँ पे वॉशरूम, पता स्कूल में वॉशरूम तुमको पता है वैसे भी कैसे होते हैं, पानी तक नहीं होता है वहां पे, और गंद बड़ा होता है, गंदा वाला रंगोलियां बनाई होती है रंग बिरंगी सबने वहां पे, तो वो सीन होता है। तो फिर मैं वहां गया नहीं, मैं चल थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं, घर जाएंगे मस्त एकदम बढ़िया सा बूम बाम कर देंगे घर जाके। तो हुआ क्या भैया, हम बैठे हुए थे बस के अंदर, नहीं सॉरी लास्ट हमारी पीरियड था, लास्ट पीरियड था, हमारी छुट्टी होने वाली थी। तो लास्ट पीरियड में ना भाई मेरे को इतनी जोर से प्रेशर बना ना, मेरे से रहा नहीं गया, और मैंने हमने ना बमबारी कर दी भी, बीच में बमबारी बूम बूम बूम, खतरनाक वाली बमबारी हुई एकदम। अब हुआ क्या, मुझे तो पता है भाई मैंने क्या कर दिया है, बताएं कैसे, शर्म वाली बात है। तो मैं स्कूल के बाहर गया भाई, चट्टी पहनते थे ना हम लोग तब, तो देख अगर हम लोग टट्टी कर देंगे भाई निकलेगी ना कहीं वो चट्टी के अंदर ही रहेगी, पता है चट्टी के अंदर ही फंसी हुई है। अब मैं सोचूं करूं तो करूं क्या, छुट्टी हुई बाहर गया मैं, हमारे ना स्कूल के साइड पे वॉल होती है ना दीवार, चार दीवार बोलते हैं जिसको हम, वहां पे साइड पे गया मैं, मैंने अपनी पैंट पकड़ी एक साइड से, ऐसे कोना पकड़ा पैंट का, ऐसे झाड़ा साइड से सारी बार, ओ यार पूरे पैर अंदर से पीले हो गए थे मेरे। उसके बाद बस के अंदर बैठा मैं, मेरी बहन जाती थी मेरे साथ, तुमको पहले बताया, वो साथ बैठी हुई है, पूछी रमन तेरे से स्मेल आ रही है, तेरे पॉटी तो नहीं करी हुई? नहीं नहीं नहीं, नहीं। घर गया, घर जाके मम्मी ने मेरी खोली पैंट पूरी, अंदर पॉटी पॉटी भाई यार सीरियसली, ये ना बड़ा ही फनी सा एक मोमेंट था अपनी लाइफ का, तुम लोगों से शेयर किया है, अच्छा लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करना जरूर, क्योंकि मैं और स्टोरीज लेके आने वाला हूँ फ्यूचर में, और मजा आएगा तुम लोग को सीरियसली बता रहा हूँ सुनने में।